हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज की वीडियो मैं बहुत लोगों के हाई डिमांड पर बना रहा हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि अब जैसे 11th का सिलेबस तो खत्म हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, रिवीजन कैसे करूँगा, 12th कब स्टार्ट करूँगा। तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में दूंगा एंड मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिफोर स्टार्टिंग 12th। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं यार। तो चलो यार, हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि मेरा 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। जस्ट मैथ्स में एक चैप्टर बचा है स्टैटिस्टिक्स नाम का, वो भी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। तो यार, अब सिलेबस कंप्लीशन के बाद मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा पूरी 11th को अच्छे से रिवाइज करने पर एंड जितने भी चैप्टर्स मेरे थोड़े वीक हैं उनको स्ट्रांग करने पर एंड एडवांस लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर। बिकॉज मेरे मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो मेंस लेवल पर तो कवर्ड हैं। जैसे मैंने अभी 24 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे तो वो भी मैक्सिमम मेरे से सॉल्व हो रहे थे। तो इट मींस मेंस लेवल पर तो मेरे मैक्सिमम चैप्टर्स कवर्ड हैं एंड कुछ चैप्टर्स एडवांस लेवल पर भी हैं। एंड जो चैप्टर एडवांस लेवल पर नहीं है उनको ट्राई करूंगा मैं उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की। अब जैसे मैंने बताया, मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा तो उनके लिए मैं अलग अलग सोर्सेज रेफर करूंगा। लाइक मेनली जो दो सोर्सेज होंगी वो होंगी हमारी जो ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, लाइक फिजिक्स में सेंगेज एंड ऑल, और मैथ्स में भी वही सब। एंड जैसे केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में भी मैं थोड़ी बहुत बुक्स ट्राई करूंगा, लाइक ऑर्गेनिक में MS चौहान वगैरह। एंड साथ में मैं जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा एंड वो PYQs में PW की जेई एडवांस 46 ईयर वाली बुक से करूंगा। यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसा आपको पता होगा, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है एंड अब जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट 2 महीने दूर है एंड उसके बाद जेई एडवांस है। तो उसकी प्रेपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी मॉक टेस्ट। तो इसके लिए PW ने अपनी जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज निकाली है। जो जेई मेन्स की रैंकर टेस्ट सीरीज है उसमें 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एंड 4 आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट मिलेंगे जो कि टोटली बेस्ड होंगे जेई मेन के पैटर्न पर, जेई मेन के डिफिकल्टी लेवल पर एंड इवन आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल के पेपर मिल जाएंगे, जिससे पेपर किसी भी लेवल का है आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड वैसे जेई एडवांस के लिए आपको 4 जेई एडवांस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि आपके जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस को टोटली रिसेंबल कर रहे होंगे। तो इन मॉक टेस्ट के साथ आपको रैंक प्रिडिक्टर एंड टॉप NITs का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी मिलेगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मॉक टेस्ट के साथ आपको 14 OMR शीट्स भी मिलेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस के टाइम आंसर्स को फिल कर सकते हो। सभी मॉक टेस्ट का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इन दोनों बुकलेट्स में मिल रहा होगा, ये जेई मेंस के लिए एंड ये जेई एडवांस के लिए। एंड इससे आप जब मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। जैसा आप सबको पता है कि अब मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो एंड PW स्टोर पर मेरा कूपन कोड IAV150 भी यूज कर सकते हो फॉर 150 rupees डिस्काउंट। तो ओके गाइज, मैंने आपको PYQs का तो बता दिया कि मैं कहाँ से करने वाला हूँ। अब हम थोड़ी सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है एंड फिजिकल केमिस्ट्री अभी तक तो मेरा वीकेस्ट था, बट अब मैं उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ बिकॉज मैंने एक सर से पढ़ना शुरू कर दिया है एंड मैं उधर से फिजिकल केमिस्ट्री का जितने भी मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ एंड वो अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो आगे के टाइम में मैं फिजिकल केमिस्ट्री को तो स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूं अपनी स्ट्रेटजी। तो देखो, उसमें मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी रहेगी बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है मुझे। तो उसमें बस बेसिकली मैं नोट्स को बार बार रिवाइज करूंगा एंड प्रैक्टिस के लिए मैं MS चौहान बुक को यूज करने वाला हूं एंड उससे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। और यही सेम स्ट्रेटजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है बिकॉज उसमें मोस्टली चीजें तो याद ही करनी है, तो उसमें भी नोट्स वगैरह रिवाइज करूंगा एंड PYQ सॉल्व कर लूंगा एंड इनऑर्गेनिक तो हो ही जाएगा रिवाइज। अगर अब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपने सारे वीक टॉपिक जो है एक सर के लेक्चर से कर रहा हूं एंड उन्हीं को मैं कंटिन्यू करता रहूंगा एंड 12th में भी मैं उन्हीं से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूं एंड जितना भी वो होमवर्क देते हैं लाइक शीट में से या कहीं से भी क्वेश्चंस देते हैं वो मैं साथ साथ करता रहूंगा एंड खुद से भी क्वेश्चंस करूंगा, जिससे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री तो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि मैथ्स हम सब के लिए थोड़ा टफ सब्जेक्ट रहता है, बट हमारे जो मैथ्स के सर हैं तरुण खंडेलवाल, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हमें एंड मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी होगी उनकी वजह से। एंड अब मेरे को मैथ्स में बेसिकली एडवांस लेवल प्रैक्टिस करनी है जो मैंने शुरू भी कर दिया, लाइक मैंने ब्लैक बुक सॉल्व करी थी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एंड उसके मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद से हो रहे थे एंड उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। तो वैसे ही मैं हर चैप्टर में प्रैक्टिस करता रहूँगा अब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की एंड तरुण सर ने बोला है कि वो हमें एडवांस सेशन ऐसे ऐसे लेक्चर देते रहेंगे, रिवीजन लेक्चर्स, तो उनको भी मैं फॉलो करता रहूंगा। एंड मैथ्स का तो मेरा ये सिंपल स्ट्रेटजी है कि अब मेनली प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है और थोड़े अच्छे लेवल की, और साथ में एडवांस PYQ जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो करूंगा।
फिर हम लास्ट सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखो फिजिक्स में मेरी एक सिंपल सी प्रॉब्लम ये है ना कि फिजिक्स में मैं मेंस के लेवल के एंड उससे थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस तो कर लेता हूँ, बट जिसमें थोड़े बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाते हैं ना कभी कभी फिजिक्स के, उनमें मेरे को अभी थोड़ी प्रॉब्लम है एंड मेरे को उन्हीं चीज़ों में फोकस करना है। तो जब अपना सिलेबस चल रहा था उस टाइम पर मैंने सिंगेज की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि सिंगेज को ही कंटिन्यू करूंगा, धीरे धीरे फिजिक्स में उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। तो सिंगेज में बेसिकली जो क्वेश्चन मेरे से पहली बार नहीं हुए थे उनको करूंगा एंड जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस बची हैं उनको कंप्लीट करूंगा। तो एटलीस्ट मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसमें तो मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा एंड थर्मोडाइनिक्स में भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा एंड जो बच जाएगा उसका 12th में देख लेंगे रिवीजन के टाइम। तो इतना ही था यार आज की वीडियो में, मैंने आपको डिटेल में बताया अपनी स्ट्रेटजी के बारे में एंड आप लोग भी जरूर कमेंट्स में बताना कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। एक और चीज़ आप लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी थी कि मैं 12th कब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यार जैसे मैंने आपको बताया कि 26 फेब से 13 मार्च तक तो मेरे स्कूल के एग्जाम्स हैं, तो उससे पहले स्टार्ट करके तो कोई फायदा नहीं होगी, बीच में तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा उनके लिए। तो जो मैं 12th स्टार्ट करूंगा वो मेनली तो मैं अप्रैल से करूंगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा जैसे मैंने आपको बताया था एक एक के सर से एंड बाकी फिजिक्स में मुझे अभी कन्फ्यूजन है मैं कहाँ से करूंगा एंड बाकी मैथ्स OC और IOC तो मैं अपने जो लक्ष्य बैच होगा उसी से करने वाला हूँ। सो PW का लक्ष्य बैच लूंगा मैं, ये भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि हाँ मैं वही लेने वाला हूँ एंड आप लोग बताना अब आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है अगले कुछ महीनों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो अब मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, थैंक यू सो मच एवरीवन।